गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको बताने जाता है मिराज मरीचिका के बारे में। इसमें क्या होता है बच्चों कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जब कोई यात्री यात्रा करता है तो कोई भी पेड़ का छाया है उसे पानी नजर आता है और पानी के चक्कर में आगे आगे बढ़ता है और पानी वास्तविक रूप में नहीं रहता। यह एक दृष्टि भ्रम है। देखिए कैसे बनता है। यह एक पेड़ है, नीचे सरफेस है, इसकी प्रतिबिंब यहाँ है। चूंकि मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर हवा गर्म हो जाती है और ऊपरी हवा जैसे जैसे ऊपर है उसके परिसर कम है। गर्म हवा के होने के चलते यहाँ लो डेंसिटी होती है, यानी रेयर मीडियम होता है, ऊपर हाई डेंसिटी होता है और सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम होता है। अब ये कोई पेड़ है, इसे एक किरण जा रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है, तो यह किरण जो है इसका इंसिडेंट एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होने के कारण वह उसी माध्यम में लौट जाता है, ऊपर की ओर लौट जाता है जहाँ की यात्री का आंख होता है, उसी को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं जिसका प्रतिबिंब नीचे आ जाता है, यानी यही प्रतिबिंब उसे पानी के रूप में नजर आता है। हम जानते हैं कि पेड़ का प्रतिबिंब पानी में नीचे की ओर नजर आता है तो वह यात्री समझता है कि नीचे की ओर पेड़ है यानी पानी है, ऐसी दृष्टि भ्रम को लेकर के आगे बढ़ता जाता है। वास्तविक यह एक दृष्टि भ्रम है, कोई पानी नहीं होता है, इसी को कहते हैं मिराज मरीचिका। हम समझते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।